अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। कहाँ रह गई बिट्टू? यही आने के लिए बोल रही थी ना? पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। गर्वजी का फोन? भाई तुम्हें क्यों फोन कर रहे हैं? कहीं बिट्टू आ तो। हेलो, क्या बात है मीरा, कहाँ हो तुम? अरे छोटी बहन की शादी हो रही है और बड़ी बहन ही गायब है, ये तो गलत बात है। अरे गठबंधन तो तुम्हें ही करना होगा ना, जल्दी आओ, ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पंडित जी शादी शुरू कीजिए। ये मीरा कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं? आती होगी, परेशान मत हो। मीरा और पाठ कहाँ चले गए? हे ठाकुर जी, अगर ये शादी हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कुछ करिए। हवन की विधि संपन्न हुई, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। दीदी हमें बचा लीजिए, दीदी हमें गर्व जी से शादी नहीं करती है, दीदी प्लीज। ये शादी नहीं हो सकती। मीरा क्या कर रही हो? बस करो मीरा, अब हम तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, ना तुम्हारी ना किसी और की। हम कह रहे हैं शांति से होने दो ये शादी। बिट्टू उठो, क्या कर रही हो ये? उठो बिट्टू, उठो।
मम्मी या किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। हाँ, हमारी बात सुनो और चलो यहाँ से। एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती नहीं की जाती है बिट्टू। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही है। हम ये शादी मम्मी के डर में नहीं कर रहे हैं, हम ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तुम्हें किसी के भी दबाव में आके इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और यहां क्या चल रहा है हम सब समझ रहे हैं। बिट्टू, हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं, हम सब संभाल लेंगे, जो भी होगा ना हम देख लेंगे। लेकिन तुम्हारे खिलाफ किसी को नहीं जाने देंगे। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हम यहां कुछ नहीं होने देंगे। चल, मान हमारी बात, आओ आओ बिट्टू, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज उठो बिट्टू, उठो बिट्टू, बोलो। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? हाँ, जब बिट्टू ने कह दिया है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है, खुशी से शादी कर रही है, तो तुम दोनों क्यों पीछे पड़े हुए शादी रुकवाने के लिए? क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, क्या जताना चाहते हो कि हम कोई डाकू हैं और तुम्हारी बहन को उड़ा के ले जा रहे हैं? बिट्टू, बहुत हो गया, तुम ही जवाब दो इन दोनों को। ये तो वो बात हो गई कि हवन भी करें और हाथ भी जलाएं। एक तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, और ऊपर से ये लोग हमें ही विलन बनाने पे लगे हुए हैं। बिट्टू, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो, हम तो तुम्हें सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये बर्ताव नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम अभी भी जा सकती हो। जबरदस्ती हम तुमसे शादी नहीं करेंगे बिट्टू। कहा था ना तुम्हें, हमें फोन मत किया करो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तुमसे प्यार करते हैं ना। अरे कौन सा प्यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बिट्टू? यार थोड़ा सा भाव क्या देती है, हंस के दो चार बातें क्या कर ली, तुम तो गले ही पड़ गई हो। अगर प्यार नहीं तो वो सारी बातें और ये बच्चा। देखो बिट्टू, ये गलती और लापरवाही तुम्हारी है, तुम भुगतो। और खबरदार बिट्टू, आज के बाद हमें फोन किया, समझी?
ऐसी कोई बात नहीं है गर्व जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम ये शादी अपनी मर्जी से और खुशी खुशी कर रहे हैं। तो सुन लिया आप दोनों ने, बिट्टू ये शादी अपनी मर्जी से और खुशी खुशी कर रही है, ना कि किसी के डर या दबाव में। तो अगर अब भी तुम दोनों को या किसी को भी इस शादी से प्रॉब्लम है तो वो यहां से जा सकता है। बस करो मीरा। क्यों तुम टेन टाइम पे तमाशा करने आई हो? अगर तुम अपनी बहन का घर बसते हुए नहीं देख सकती ना तो चली जाओ यहाँ से। क्यों तुम शुभ समय में इस तरह से मनुष्यत फैला रही हो? तुमने सुना बिट्टू ने क्या कहा? ये मर्जी से शादी कर रही है। चलो मेरा शुक्र है हमारे सर से ये बला टल गई, वरना सारी उम्र हम मातम मनाते रहते। तुमने सुना नहीं क्या कहा बिट्टू ने? चलो मेरा क्या हो रहा है? हाँ, तुमने हमारा मजाक बनवा के रख दिया। तुम तो कह रही थी कि बिट्टू को शादी करनी नहीं है, वो खुद जाके गर्व भाई से शादी कर रही है। ते नहीं करनी है पार्थ, हमें नीचे जाके अभी ये शादी रोकनी होगी वरना हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पार्थ अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। हम अपनी बहन के साथ इस तरह का खेल होते हुए नहीं देख सकते, हमें कुछ करना होगा पार्थ। मीरा मीरा होश में आओ, होश में आओ। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मीरा इधर इधर हमारी बात सुनो। हम क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो। बिट्टू अपनी मर्जी से गर्व भाई से शादी कर रही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसकी मर्जी से हो रही है शादी। नहीं हो रही है। अरे ये मुमकिन नहीं है, हमने खुद पूछा था बिट्टू से, उसने मना किया था। बार तक समझ ही नहीं रहे। मीरा एक बार हमारी बात तो सुन लो। हो सकता है गर्व भाई ने या माँ ने उसको मना लिया हो, इसलिए हो रही हो शादी। नीचे शादी हो रही है मीरा, हम कुछ नहीं कर सकते। और अब हम ना अपना और मजाक नहीं बनवा सकते मीरा। नहीं हो सकता ये। मीरा रोना बंद करो, संभालो अपने आप को, हमारी बात सुनो। देखो हर चीज हमारी मर्जी से नहीं होती ना, कुछ चीजों को ऊपर वाले की मर्जी पे छोड़ देना चाहिए ना। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है, ये शादी हो जाने दो। ओम श्री नारायणाय नमः। विवाह की विधि संपन्न हुई, अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने वैवाहिक जीवन को कुशल मंगल बनाने के लिए उनसे आशीर्वाद ले लीजिए।
हो गया दादी, आप इस घर की सबसे बड़ी है ना, तो शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद भी नहीं देंगी क्या? खुश रहो। खुश तो तब रहेंगे ना मां, जब आप पूरे मन से आशीर्वाद देंगी। हाँ चलिए, पूरे दिल से दुआ मांगी है कि हम दोनों अपने विवाहित जीवन में हमेशा खुश रहें और जो चाहें वो हासिल करें। चलिए चलिए माँ। खुश रहो। क्यों विनोबत, खुश रहो। माँ आज से आपकी बेटी की सारी जिम्मेदारियां हमारी, आप लोग रिलैक्स हो जाइए बस। हाँ आप समझिए कि आपने अपना सारा बोझ हमारे मजबूत कंधों पे डाल दिया है, ठीक है? अब यहाँ से हम चार्ज ले लेंगे। बेटा तुम स्वयं कृष्ण बनकर हमारी आबरू बचाने आए हो। आपकी इज्जत अब हमारी इज्जत है और हम उस पर आँच नहीं आने देंगे। बेटा जिन हालातों में ये शादी हुई है, आपके घर में कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? अरे माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारी चलती है इस घर में और हमेशा चलती रहेगी। यहाँ पे सबको खुश होना पड़ेगा। माँ चलिए शादी की सारी रस्में पूरी कीजिए, हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी की कोई भी रस्म अधूरी रह जाए। गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए अपने बहू और बेटे की। चलिए घर। बेटा शादी इसी घर के अंदर हुई है, फिर गृह प्रवेश की क्या जरूरत है? उससे क्या होता है दादी? हाँ घर में नई बहू आई है तो उसका स्वागत तो होगा ही ना। क्या दादी नई बहू आई नहीं और आपने अभी से ही भेदभाव करना शुरू कर दिया है? क्यों आप तो कहती थी ना कि आपकी दोनों बहुओं को आप अपनी दोनों आंखों की तरह बराबर प्यार करेंगी, क्या हुआ उसका? अरे मीरा जब शादी करके आई थी तो उसका भी गृह प्रवेश हुआ था ना, उस वक्त भी काफी लोग खुश नहीं थे इस घर में, तो बिट्टू का भी गृह प्रवेश होगा। शीला रस्म शुरू करो। हम नहीं करेंगे ये नाटक अम्मा जी। ये अपनी बीवी का स्वागत करना चाहता है पर हम इसका स्वागत नहीं करेंगे। जबरदस्ती घुस रही है हमारे घर में, हम इसे न अपनी बहू मानते हैं और न मानेंगे। नहीं करेंगे हम इसका गृह प्रवेश। अरे जीजी कर लीजिए ना रस्म पूरी, अब शादी तो हो ही गई है, फिर क्या परेशानी है? हाँ हाँ मीरा से करना चाहता था लेकिन अब मीरा नहीं तो उसकी बहन ही सही। तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है मंजू,
तुम्हारे लाडले की उछाली हुई कीचड़ को धो रहा है हमारा बेटा। घर का बड़ा है तो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। तुम लोगों ने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया। माँ प्लीज, अब आप लोग लड़िए मत। हमने वही किया जो हमारा फर्ज था। ठीक है, हम आपको अब और तकलीफ नहीं देंगे। आप शांत हो जाइए। हीरा, 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 मीरा, तुमने अपनी छोटी बहन की शादी अटेंड नहीं की तो ना सही, पर कम से कम अपनी जेठानी का गृह प्रवेश तो करवा सकती हो ना। आज के बाद देखो मीरा, कैसे मैं तुमसे अपना बदला लेता हूं। हमारी परमिशन के बगैर अंदर कैसे आए? सॉरी देवगा जी, वो जाओ जाके बाहर वेट करो। जरा दो ग्लास दूध तो लेके आना हमारे कमरे में, अच्छे से बनवाना। क्या है ना, सुहागरात है हमारे।